भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जिला ऊना में बढ़ते कोविड 19 के मामलों के कारण शुक्रवार बाद दोपहर जिला प्रशासन द्वारा जारी ताजा तरीन आदेशों में सख्ती के दायरे को बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, यदि अब भी संक्रमण का चक्र थमने का नाम नहीं लेता है तो जिला में पाबंदियों को और भी बढ़ाए जाने का विकल्प प्रशासन के पास मौजूद है। डीसी ऊना राघव शर्मा ने बताया, जिला में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत मास्क न लगाने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए बकायदा एसडीएम प्रतिदिन औचक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे। वहीं अगर कोई दुकानदार मास्क के बिना पाया जाता है तो मास्क न लगाने के लिए जुर्माने के साथ साथ उसकी दुकान को बंद करवा दिया जाएगा, और अगर रेहड़ी धारक द्वारा यह उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माना करने के साथ उसकी रेहड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। डीसी ने बताया कि जिला में 31 मार्च तक बंद स्थानों पर लंगर भंडारे या सामूहिक भोज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। वहीं खुले में आयोजन के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना जरूरी है। इसके साथ ही सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्रवचन, कीर्तन, भागवत तथा खेलकूद संबंधी आयोजनों और इवेंट्स का आयोजन भी एसडीएम की अनुमति से ही किया जा सकेगा। उन्होंने बताया, प्रत्येक अनुमति के संबंध में एसडीएम द्वारा अनुपालना अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किया जाएगा, जो आयोजन के दिन निरीक्षण कर अनुमति की शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा। डीसी ऊना ने फिलहाल जिला की सीमाओं पर सख्ती को लेकर इनकार कर दिया है, किंतु बाबा बड़भाग सिंह के होला मोहल्ला मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की कोविड 19 नेगेटिव रिपोर्ट जांचने के लिए अवश्य एनफोर्समेंट की जाएगी। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए उसमें मास्क ना लगाने पर जो है 5,000 तक का जुर्माना निर्धारित किया गया है। विशेषकर ये देखा जा रहा है कि हमारे बहुत सारे दुकानदार बंधु जो है वो दुकान में मास्क नहीं पहनते, रेड़ी फेरी वाले नहीं पहनते, तो उस केस में ये भी नियत किया गया है कि जुर्माने के साथ साथ दुकान को बंद किया जा सकता है, रेडी को जब्त किया जा सकता है। साथ ही जितने भी हमारे लंगर भंडारे और सामूहिक भोज हो रहे हैं वो अगर बंद स्थान पे हैं तो वो पूर्णतः प्रतिबंधित हमने कर दिए हैं। खुले स्थान में यदि करते हैं तो वो एसडीएम की पूर्व अनुमति के साथ ही वो कर सकते हैं। इसमें और जो हमारे आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन, धार्मिक आयोजन है, खेल कूद के आयोजन हैं, भजन कीर्तन, भागवत कथाएं हैं, इनका बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पे जो आयोजन हो रहा है और ये देखा जा रहा है कि लोग मास्क इत्यादि नहीं लगा रहे हैं, तो इसको देखते हुए भी ये निर्णय लिया गया कि सभी प्रकार के आयोजनों के लिए संबंधित एसडीएम से जो है पूर्ण अनुमति के बाद ही ये आयोजन किए जा सकते हैं। ये सभी बंदिशें जो है वो 31 मार्च तक रखी गई हैं, और अगर कोरोना मामलों में बढ़ोतरी इस प्रकार चलती रही तो इसको आगे भी समीक्षा करके बढ़ाया जाएगा। सर, अगर बात की जाए, जिला ऊना जो है वो पंजाब के साथ सटा हुआ है और पंजाब में मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सैकड़ों मामले रोजाना आ रहे हैं, तो क्या बॉर्डर्स पर भी कोई सख्ती बढ़ाई जाएगी? अभी बॉर्डर्स पे सख्ती बढ़ाने का कोई विचार नहीं है, बट मैडी मेले को देखते हुए जो है प्रबंध, जो कोविड 19 नेगेटिव रिपोर्ट की हमने बात की, उसके लिए अगले 10 दिन तक जो है एनफोर्समेंट किया जाएगा। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान।